हाय गाइस, दिस इज तुषार। वेलकम टू ऑटोमोबाइल्स इन फॉर्मल ब्लॉग्स। गाइस, आज की जो वीडियो है वो रहेगी मेरी कार के ऊपर, फोर्ड एको स्पोर्ट। एंड जो मेरे को जिन्होंने मेरे को पुराने टाइम से सब्सक्राइब करा उनको पता ही होगा मेरी कार के बारे में, एंड जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करा हुआ है, क्योंकि मैं कार के जो अपडेट्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। एंड आज की वीडियो में मतलब एक बहुत आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, क्योंकि मेरी कार में मैंने आफ्टर मार्केट एलॉयज नहीं लगवाए हुए, सिर्फ जो कंपनी से स्टॉक एलॉयज आते हैं वो ही लगवाए हुए हैं। एंड आप आज उससे आइडिया लेना कि ऐसा नहीं है गाइस, बहुत लोग ये सोचते हैं कि आफ्टर मार्केट एलॉयज लगवाने के बाद ही कार की लुक आ जाती है, तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़, एंड ऐसा ही होता है। आफ्टर मार्केट एलॉयज की एक लुक डिफरेंट ही होती है। बट आज की वीडियो में आप ये देखोगे कि स्टॉक एलॉयज से ही कैसे कार की लुक आप चेंज कर सकते हो, एक आइडिया आपके मन में आ जाएगा। एंड अगर वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट लगता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। थी मेरे सभी आपको इंस्टाग्राम का हैंडल शो हो रहा होगा, आप वहां पर भी जाके फॉलो करें, क्योंकि कार के जो रनिंग शॉट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूं, एंड उसके पीछे जो सॉन्ग लगाता हूं वो होता है पंजाबी, तो बहुत लोगों को पंजाबी सॉन्ग्स के साथ जो कार की वीडियो होती है अच्छी लगती है, तो वहां पर जाके फॉलो करें, एंड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट डाउन बिलो, या फिर आपको ये भी पूछना है कि कार में और क्या क्या चीजें हम करवा सकते हैं जो इस वीडियो में नहीं कवर हो पाई, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि जितना कवर हो पाए वीडियो में कर लूं, अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट डाउन बिलो, एंड उसको मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई करके बता दूं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spread. Presenting you my Ford EcoSport. Instagram पर अभी मेरे को recently तीन जनों के मैसेज आए कि भाई आपने जो अपनी कार की मॉडिफिकेशंस करवाई है वो कब शेयर करोगे, तो गाइस आज मैं आपके साथ कुछ लेटेस्ट मॉडिफिकेशन शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपनी Ford EcoSport पे करवाई है। एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी जो भी फोर्ड एकोस्पोर्ट ओनर्स है, जिनके पास न्यू एंड पुरानी दोनों के ऊपर मैं वीडियो कवर करने वाला हूं। जो आप वीडियो में देखोगे वो है पुरानी वाली, जैसा कि मैं आपको एक बारी फिर से बता देता हूं, जो भी चैनल न्यू विजिट कर रहे हैं एंड जिनको पुरानी फोर्ड एकोस्पोर्ट के बारे में नहीं पता, तो गाइस ये है 2015 टाइटेनियम इकोबूस्ट पेट्रोल वेरियंट, एंड आज जो कार की एज है वो हो गई है 4 years 5 months। तो 4 years 5 months हो गए हैं कार को। एंड सबसे पहले अगर फ्रंट से बात करूं तो जो आफ्टर मार्केट इसमें हुआ हुआ है वो है ये फोर्ड की ग्रिल, देख पा रहे होगे आप कितनी अमेजिंग है फोर्ड की, इसे रैप्टर ग्रिल कहा जाता है। एंड जो इसका मार्केट प्राइस है ना गाइस वो है ₹3,000 से ₹4,000 के बीच आपको मिल जाएगी। जिस टाइम मैंने परचेज करी थी उस टाइम ये ₹3,500 की थी, एंड अभी कोई कोई जगह 3,000 की मिल रही है, एंड मैक्सिमम जो प्राइस है ना अगर आप मार्केट जाते हो तो ₹4,000 है। अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो आपको रेट में डिफरेंस मिल जाएगा, हो सकता है 5,000 तक की मिले, बट आई वुड से कि अब आप आफ्टर मार्केट जाके ही इंस्टॉल करवा लो। एंड गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं न्यू फोर्ड एकोस्पोर्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो न्यू फोर्ड एकोस्पोर्ट है उन जो भी ओनर्स हैं उनको पता होगा कि जो पुरानी वाली है न्यू वाली में जो आगे का पूरा लुक चेंज करा गया था, तो जो आगे का लुक चेंज करा था ना उसमें भी आगे की जो फोर्ड की ग्रिल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड वो भी अवेलेबल है मार्केट में। उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है गाइस आपको कौन सी क्वालिटी की ग्रिल चाहिए, क्योंकि ये जो पुरानी वाली है इसमें एक ही क्वालिटी आती है, नई वाली में 3000 से ग्रिल स्टार्ट हो जाती है, एक होती है नॉर्मल जो क्रोम लेटर्स होंगे एंड वो 3000 की मिल जाती है, एक आती है जो फोर्ड एंडेवर में लगी आती है उस टाइप की ग्रिल, जिसमें यहाँ पर नई वाली फोर्ड एकोस्पोर्ट में 3 लाइट होगी छोटी छोटी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो जो उसकी कॉस्ट आती है वो ₹5,500 की। एंड ये जो प्राइस बता रहा हूँ गाइस ये है मार्केट प्राइस, तो हो सकता है आपको ज़्यादा भी मिले एंड हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी मिले, तो मार्केट में पता करें, एंड हो सकेगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा एंड आसपास पता करके मेंशन कर दूंगा कमेंट में। साथ ही में अगर फ्रंट से और कोई बात करें तो हो रखा है ये फॉग लैम्प्स और ये ऊपर रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स है, इसमें LED इंस्टॉल्ड है। एक बारी फॉग लैम्प्स की LED जलाना,
तो आप देख पा रहे होगे कि डे में कितनी ये शार्प है। एंड इसमें क्रिस्टल आई की LED इंस्टॉल करवाई हुई है मैंने। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी सेपरेटली शेयर कर चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी सोच रहा है कि फॉग लैम्प्स में जो होल्डर होता है उसमें कौन सी LED डलवाए जाए वाइट, तो मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बारी वो भी जाके देखें। एंड एक बारी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स में जो LED है वो करना। तो गाइस ये आप देख लो, ये भी ऑन हो गई है। अगर गाइस आप लोग ये सोच रहे हो कि LED हाईवे पे सक्सेसफुल है, तो मैं चेक कर चुका हूँ, हाईवे पे आपको दिक्कत आएगी। चाहे आप कोई भी अच्छे से अच्छी ब्रांड डलवा लो, ये है कि आपको सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाईवे पे तो मैं यही कहूँगा, अगर आपका अच्छा बजट नहीं है तो हेलोजन ही रहने दें। जब अच्छा बजट हो जाए तो आप प्रोजेक्टर सेटअप के साथ जाए, प्रोजेक्टर सेटअप HID या फिर LED। एंड जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है Zenon Planet के प्रोजेक्टर्स। आप एक बार ही उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही विजिट करना है ना, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। ये है बहुत कॉस्टली है लेकिन वर्थ है, वो बारिश में भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स है प्रोजेक्टर्स का। उनके जो कस्टमर्स है वो शेयर करते हैं, उनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है, उनके कस्टमर्स उनसे सारा रिस्पॉन्स शेयर करते हैं जो वो प्रोजेक्टर्स लगवाते हैं। तो आप एक बारी उनकी प्रोफाइल विजिट करना, मैं लिंक उनकी ID का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे, जो सबसे अमेजिंग है कार की। लाइट्स बंद कर दो आप एक बारी। ऑरेंज एंड व्हाइट स्ट्राइप्स नोन एज टायर स्टिकर्स, एंड ये आप रिफ्लेक्टर्स एंड पिलर लाइट्स देख रहे होगे। इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, किसी ने देखनी है तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नहीं तो आप ये डाल देना YouTube पे कि फोर्ड EcoSport पिलर लाइट्स या फिर कुछ भी, तो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी वीडियो। एंड एक बारी रिफ्लेक्टर और पिलर लाइट्स बंद कर देना। अभी ये बंद हो गई, अभी आपको सारी लोग ढंग से सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ना एलॉयस पर आ जाते हैं। ये आप जो एलॉयस देख रहे हो, एक वीडियो में अपनी कार की पहले से डाल चुका हूँ। पहले मैंने फोर्ड के वाइट कलर के स्टिकर्स लगवा रखे थे, अब जो मैंने कराए हैं ऑरेंज एंड वाइट स्ट्राइप्स। एंड आप देख रहे होगे ये रिम के थोड़ा सा ऊपर करवाए हैं, क्योंकि ना मैंने गाइस टायर जो हैं इसमें योकोहामा के इंस्टॉल करवाए हैं। एंड जो मैंने ना कंपनी से जो स्टॉक आता है वो आता है टायर साइज 205/60 एंड R16, ये आता है स्टॉक। एंड जो मैंने इसमें टायर साइज करवाया है वो है 205/65। तो जो ये वॉल है ना इतनी 60 की इतनी होगी, तो 65 की इतनी है। तो ये रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि मेरे को टायर स्टिकर्स लगवाने थे थोड़े से ऊपर, कि इतनी जगह बची रहे। एंड मैं हमेशा वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि जितना हो सके उतना नीचे लगवाएं, क्योंकि रीज़न यही है, दिल्ली में पॉट होल्स इतने हैं, क्योंकि गाड़ी आपकी कहीं पे भी गड्ढे में जाएगी ना तो होगा क्या, टायर दबेगा एंड फिर स्टिकर रिमूव हो जाएगा। मेरी साइड वॉल जो ये है ये इतनी बड़ी है जब भी मैंने ऊपर लगवाए हैं, तो ये चीज़ के बारे में आप ध्यान रखें। और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा गाइस, जो पुरानी वीडियो थी ना उसमें अगर आपने नोटिस करा हो तो मैंने पहले भी जो स्टॉक एलॉयस थे उसको ब्लैक पेंट करवा रखा था, एंड उसका ना हल्का हल्का सा रंग रिमूव हो गया था। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चन आए कि भाई मैंने भी आपकी वीडियो देखी है, एंड मैं पेंट करवाने गया तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि इसके ऊपर पेंट नहीं चढ़ेगा। तो जिन्होंने भी ऐसा कहा वो सही है। अगर आप पहले ना इस पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एलॉयस, अगर आप पेंट करवा रहे हो तो इस पर पहले रेंग मार, एक होता है रिंग मार, उससे पहले जो एलॉय होता है सिल्वर कलर का उसको घिसवाना हल्का हल्का जरूरी है, एंड उसके बाद ये ब्लैक पेंट होए तो जब अमेजिंग लगेगा। रिंग मार जब आप लगवा लोगे ना उसके बाद ये अच्छे से जो रंग है वो पकड़ लेगा, एंड कभी भी रिमूव नहीं होगा जब तक, मतलब अगर पहले क्या होता था ना, पहले अगर आप वाटर जो होता है, अगर आप कभी भी गाड़ी धुलवाने जा रहे हो तो अगर आप तेज प्रेशर से धुलवाओगे तो पहले रंग रिमूव हो जाता था, एंड अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब रेंग मार से हुआ है। पहले मेरा भी यही था, रेंग मार से नहीं हुआ था तो ढंग से नहीं चढ़ पाया था, अब ये रेंग मार से हो गया तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड अप्रॉक्स मेरे को 30 डेज तो हो ही चुके हैं ये पेंट करवाए हुए। साथ ही में गाइस आप ये भी चीज़ ध्यान रखें, अगर आपकी कार कहीं लग जाती है, जैसे अलॉय अगर आपका कहीं लग गया तो रिमूव होए गई, जब तो पेंट रिमूव होए गई। एंड जो इसकी कॉस्ट है ना वो है ₹2000 की, जो ये पांच मेरे आपको पता ही होगा फोर्ड EcoSport में पांच आते हैं एलॉयस, आप ये पीछे वाला भी देख लो। तो इसका ये जो आप रंग रिमूव देख रहे हो ना, ये क्या हुआ था, जब मैं टायर स्टिकर्स लगवा रहा था तो जो बंदा था ना उसने जल्दबाजी में ये टायर निकाला, मतलब एलॉय निकाल रहा था, तो जो उसकी मशीन से निशान आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका कहीं एलॉय लगेगा तो पेंट रिमूव होएगा ही। एलॉयस की कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूँ ₹2000। एंड एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा, मैंने ₹100 और पे करे थे क्योंकि ना पेंट बच गया था, तो 2100 कॉस्ट आएगी। ये आप देख रहे होगे रूफ रेल्स, एंड इसको भी मैंने ब्लैक में पेंट करवा दिया, एंड बहुत अमेजिंग अभी तक ये रिमूव नहीं हुआ है। ये भी क्योंकि रेंग मार से हुआ था परफेक्टली वर्क कर रहा है, ये भी पेंट अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड
2100 का अगर आपका बजट है तो आप अपनी रूफ रेल्स ब्लैक करवा सकते हो, साथ ही में एलॉयस भी, और साथ ही में जिनसे काम हुए ना उनका आपको मैं ये करूँगा कि आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहे जो भी दिल्ली में रहते हैं, तो नंबर एंड उनका नेम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आप वहां जाके ये सेम चीज करवा पाएं। एक बारी आपसे बैक की लुक शेयर करता हूं जो बैक में मैंने काम करवाया हुआ है। सबसे पहले तो ये है हमारी आफ्टर मार्केट पिलर लाइट्स, ये सेट ऑफ टू पीस होता है एंड बोथ यहां पर लग जाती है, आप देख पा रहे होगे। ये है आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर्स एंड ये पुरानी वाली फोर्ड एकोस्पोर्ट नई फोर्ड एकोस्पोर्ट में दोनों में ही लग सकते हैं, इजीली इंस्टॉल हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बारी इसकी वर्किंग बताता हूं कि कैसे वर्क होता है। तो ये पार्किंग पे आपके इजीली ऑन हो जाएंगे, साथ ही में अनलॉक करके भी आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि मैंने अनलॉक करा, ये आप देख पा रहे होगे रिफ्लेक्टर एंड पिलर लाइट ऑन हो गई है, देख रहे होगे डे में ही कितनी अमेजिंग लुक आ रही है। एंड गाइस ये जो हमारी पिलर लाइट है एंड आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर है, ये हमारे को अब आ रहा है ठंड का टाइम तो उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि फॉग हो जाएगी एंड पीछे से ही कार नज़र में जल्दी आ जाएगी क्योंकि ये बहुत शार्प लाइट है। एंड अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो ये आपको मार्केट में रुपीज़ 3000 से मिल जाएगी, बाकी भाई देखना पड़ेगा। जो मतलब मैं ये दिल्ली का प्राइस बता रहा हूँ, दिल्ली मार्केट में 3000 से स्टार्ट हो जाती है एंड 3500 की ये मिल रही है। साथ ही में रिफ्लेक्टर तो जो अभी कॉस्ट चल रहा है वो इसका चल रहा है 1800 का, मैंने पता करा था, बाकी इसका भी कुछ नहीं पता, लोग इसको भी 2500 का बेच देते हैं। एंड एक पीछे से एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो भी न्यू फोर्ड एकोस्पोर्ट ओनर्स है या फिर ओल्ड, तो ये जो बहुत लोग ये डिमांड करते थे कि भाई पीछे की इसकी टेल लाइट्स नहीं आती आफ्टर मार्केट, तो अभी रिसेंटली 15 डेज पहले वो भी आ गई है। ये पोर्शन सेम ही है, मतलब ये लगा रहेगा आपका, एंड ये वाला जो है ना इस साइड और इस साइड, तो वो आफ्टर मार्केट आ गई है, वो 7000 की है, वो लेक्सस स्टाइल बोला जा रहा है, एलईडी है वो, तो उसमें ऐसे से एलईडी आ रही है, लेक्सस स्टाइल है। साथ ही में जो इंडिकेटर होता है ना वो मैट्रिक्स है, जो इतना पोर्शन है आप ये देख पा रहे होगे इस पे वो मैट्रिक्स मूव कर रहा है, तो वो 7000 का प्राइस है। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैंने पूछा था सारी चीज़ों के बारे में, बट मैंने इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि मैं सोच रहा था पीछे से लाइट ना ज़्यादा हो रखी है, लाइक पिलर लाइट भी है रिफ्लेक्टर भी है, तो मैं वो भी करवा लूँगा तो कार की लुक ओवर ना आए, इसलिए मैंने नहीं करवाई है। इस ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मतलब कोई भी नहीं बताएगा कि ऐसे आ चुका है क्योंकि 15 डेज पहले ही हुआ है। अभी आप YouTube पे फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे होगे कि मैं बता रहा हूँ। एंड गाइस बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करते रहो, ऐसा नहीं होता जैसे अब मैं बताऊँ कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने वीडियो शूट कर ली तो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें ही पता होता है इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है एंड वीडियो से पहले भी कितना टाइम देना पड़ता है, सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम कुछ गलत बोल दे, एंड हम लोग ही तो हैं गाइस जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये सारी चीजें करवाने के लिए। तो इस चीजों के बारे में ध्यान रखेगा गाइस, आप मेरे को भी आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम शो रहा होगा वहां जाके फॉलो करें, ऐसे अपडेट्स जब भी आते हैं मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करता हूं। एंड कंटेंट क्रिएटर की गाइस मतलब ना डिफिकल्टी बहुत होती है क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना पड़ता है, सारी चीजों के बारे में देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या न्यू चल रहा है कि वो आपके साथ शेयर करा जाए। एंड आपको बता ही दिया है कि इतना पोर्शन आ चुका है करोल बाग में मार्केट में अवेलेबल है, एंड धीरे 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 फेमस जैसे ही हो जाएगी आप लोगों को भी पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो सारी चीज़ों के बारे में समझ आ ही गया होगा। जो बेसिक जो छोटा छोटा काम हुआ है ना वो आपको बताता हूँ कार का, जैसे ये देख रहे होगे आप ये स्टिकर, एक बारी ना पार्किंग ऑफ कर दो तो पहले पार्किंग ऑफ हो जाए, एंड ये आप देख लो, ये मैंने ना पीछे जो हमारी बैक की विंडशील्ड है इस पर लिखवा हुआ है टीम ऑटोमोबाइल्स इन्फॉर्मेंट। इससे पहले तो गाइस आपको ना एक कॉस्ट क्लियर कर देता हूँ कि क्या कॉस्ट थी। तो इसकी मेरे को 200 की कॉस्ट आई, जो नॉर्मल होता है वो 100 का आ जाता है क्योंकि इसके पीछे मैंने पहले व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लगवाया, उसके बाद ये टीम ऑटोमोबाइल्स इन्फॉर्मेंट लिखवाया गया है। मतलब ये प्रिंटर से उनके पास एक होता है प्रिंटर जिससे ये निकालते हैं वर्ड एंड उसके बाद ये स्टिक कर देते हैं। साथ ही में गाइस टीम ऑटोमोबाइल्स इन्फॉर्मेंट के रिगार्डिंग भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, मैंने एक टीम स्टार्ट करी है, अगर कोई भी जो कार एंथुजियास्ट है, जो भी कार बाइक या फिर सुपर बाइक्स जो भी है, जो भी पसंद करते हैं इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड जो चाहते हैं टीम को ज्वाइन करना, हम क्या करा करेंगे, हम ना राइड पर मीटअप्स पर जाया करेंगे। एंड ऑलरेडी हमारा एक टीज़र आने वाला है जो आप देखोगे तो टीज़र में आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ों के बारे में भी। हमने 4 पीपल हैं जिन्होंने टीम स्टार्ट करी है, लाइक एक उनके पास है बलिनो, एक है स्विफ्ट, एक है टाटा जेस एंड एक आप देख रही होगी मेरी कार फोर्ड एकोस्पोर्ट। तो देखते हैं टीम कहाँ तक जाती है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे। एंड स्टिकर की कॉस्ट बता दी, एक छोटा सा स्टिकर आगे भी है, स्टिकर पोर्शन ही कवर कर देता हूँ पहले मैं,
तो आप ये देख रहे होगे AIV Ford एंड ये थोड़ी सी कार लगी हुई है, तो माइंड मत करना, दिल्ली है एंड मेरी पर्सनल कार नहीं है, मेरे फादर की है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। AIV Ford जो इसकी कॉस्ट आई थी ₹70-80 स्टिकर की, AIV Ford इसलिए लिखवाया क्योंकि ऑटोमोबाइल्स इन्फॉर्मेंट ब्लॉग्स एंड फोर्ड AIV Ford मैंने कार का नेम रखा हुआ है। साथ ही में गाइस ये जो छोटी छोटी ये है ना, ये मेरे को पर्सनली कार बताऊँ ना तो मेरे को क्रोम डिलीट पसंद है। एंड जब कार आई थी ना, जब से ये दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि 2 साल पहले ही मैंने ये सारी अपनी, मतलब कह सकते हैं कार में, इनमें इतना मैं मोटिवेट हुआ, इसमें मैंने अपना पैशन बना लिया। आप ये देख पा रहे होगे इस पर भी जंग लग गया है एंड ये जो क्रोम की ये हम कह सकते हैं बिडिंग, तो मेरे को खुद पर्सनली क्रोम डिलीट पसंद है। ये इसलिए नहीं हटाया हुआ क्योंकि हुआ क्या था आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ से ना कार ना कहीं लग गई थी तो ये पूरा पोर्शन डैमेज हो गया था, तो उसको छुपाने के लिए लगा दिया। तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर किसी की कार लगी हुई है तो ये अच्छा आइडिया है लगवाने के लिए, जिसको ये सारी चीज़ें पसंद है। आप पीछे से ये चीज़ मिस हो गई है, ये आप देख लो, ये भी क्रोम एलिमेंट का यूज़ हुआ है, नीचे दिख रहा होगा, ये भी डिग्गी क्रोम कहते हैं, इस पर अभी तक जंग नहीं आया है। और ये सारी चीज़ें ना गाइस 4 साल 5 मंथ्स पहले ही लगी थी जैसे ही कार आई थी, तो अब मतलब जंग आ गया है, आप देख पा रहे होगे। एंड इसलिए है क्योंकि ना गाइस यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पर देख रहे होगे आप, एंड यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ना पानी कम जाता है, तो यही रीज़न है। और जो भी था मैं कह सकता हूँ एक्सटीरियर से मोस्टली मैंने सारा चीज़ें कवर कर दी हैं। साथ ही में गाइस ये जो मैंने रिसेंटली इंस्टॉल करवाए थे, इसे कहते हैं, आप देख पा रहे होगे, ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। आपको एक बारी फ्रंट से इसकी लुक चेक कराता हूँ, तो आप देख पा रहे होगे सिर्फ रीज़न यही था कि थोड़ी कार जो है ना बीस्ट टाइप लुक दे, थोड़ी मतलब कह सकते हैं भारी दिखे, सिर्फ इसलिए। वैसे जो इसको लगवाते हैं उनका ये होता है मोटिव, कह सकते हैं जो ये मतलब ये है ना, इससे जो वो है व्यू है वो बहुत अच्छा आ जाता है। एंड एक बारी अंदर से आपको दिखाता हूँ कैसा इसका व्यू है, तो आप देख पा रहे होगे कितना मतलब हमारे को वाइड एंगल मिल जाता है, किसी को पार्क करने में भी इजी हो सकता है। एंड मेरा तो मोटिव मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ, सिर्फ ये रीज़न था कि मेरी जो कार की लुक है वो हैवी हो जाए। बाकी हाईवेज पे बहुत हेल्प करेगा ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स। एंड अगर ब्लाइंड स्पॉट के रिगार्डिंग किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ गूगल पर डाल दें ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स, एंड आपको सारे ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स दिख भी जाएंगे कि कितने कितने टाइप के आते हैं। और अगर इसकी कॉस्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो ये 500 से 800 का मार्केट में इजीली मिल जाएगा, सेट ऑफ 2 पीस, बोथ साइड है, आप देख लो। इंटीरियर में आप सब शेयर कर ही दिया है मैंने आपके साथ, अब इंटीरियर में आते हैं। इंटीरियर में जो भी आपको दिख रहा होगा ये हमारे बकेट सीट कवर्स है गाइस, एंड ये भी मैं जल्दी चेंज करवाने वाला हूँ, रीज़न बिकॉज ये मतलब इसकी क्वालिटी अब ख़त्म हो गई है। एंड मेरे को सही लगे 5800 की इसकी इंस्टॉलेशन हुई थी 2 साल पहले, एंड उन्होंने मेरे को 2 साल की ही वारंटी दी थी, तो आप ये देख पा रहे होगे हल्का हल्का मैं दिखाता हूँ, ये इस पे ये चीज़ होने लग गई है, तो मैं जल्दी ये चेंज करवाने वाला हूँ। एंड इस बार ही बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए मैं जाने वाला हूँ, आपके साथ सब शेयर करूँगा। फिर आप पीछे का भी देख लो, तो आप देख पा रहे हो पीछे में ऐसा कुछ भी नहीं है, पीछे बिल्कुल क्लीन है, आगे सिर्फ यही है गाइस, आगे ये सीट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए ये ऐसा हो गया। बट जिससे भी मैंने लगवाए थे उसने मेरे को पहले ही बोलता कि 2 साल की है, तो 2 साल चल गए तो अब कुछ नहीं कर सकते। 5800 की इसकी कॉस्ट पड़ती है, ऑरेंज ब्लैक कलर के हैं, इस बारी भी कुछ बहुत अच्छा करवाने वाला हूँ। आपको भी एक ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कभी जाते हो ना सीट कवर्स प्लान करते हो, तो ना आप गूगल से इमेजेस लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने ये गूगल से ही डिज़ाइन निकाला था कि कैसे क्या रहेगा, अगर आप जाते हो तो वो आपको खुद पैटर्न्स दिखाएंगे, तो उनके पास अच्छे पैटर्न्स नहीं होते, आप गूगल से ही मैं कहूंगा आप वहां से निकालो एंड फिर आप अच्छी का अपनी कार के लिए ढंग से बनवा सकते हो। और साथ ही में इंटीरियर में अगर और कुछ बात करें तो आप ये आप देख रहे होगे मैट, ये गाइस इसे ना ग्रास मैट कहते हैं, एंड अभी तक आप ये देख रहे होगे मेरे को 1 ईयर और 2 मंथ्स हो गए हैं इसको लगवाए, सिर्फ ये हल्का सा इतना भार आ गया। एंड सिर्फ इसकी अगर मैं कॉस्ट शेयर करूँ ना आपके साथ तो ₹800 के ये सिर्फ हैं। हाँ मैट में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं, एंड जो अभी ट्रेंडिंग में है वो है 90 और 70, अगर आपको वो कराना है तो वो भी करा सकते हैं। ये है कि आपका बहुत चीप बजट में अच्छे मैट है, आप देख पा रहे होगे मतलब पैर रखते हैं तो अच्छा लगता है। ये है कि इसकी क्वालिटी अब थोड़ी 1 साल 2 महीने हो गए हैं तो ये निकल गया है, बाकी 9 महीने तक तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, ये 3 महीने से ऐसे ही। अब मैं जल्दी रीसेंट मतलब इंटीरियर एक ही बारी रेडी करवाऊंगा, मैट भी परचेज करूंगा एंड साथ ही में न्यू सीट कवर्स भी। और इंटीरियर में और कुछ दिखाऊं तो आप ये देख लो, ये स्लिप रिंग मैट हम इसे कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर अगर हम फ़ोन रखेंगे तो ये स्लिप नहीं होगा। आप देख लो इसकी जो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी ₹100 की, एंड अगर आप एक चीज़ ये देखोगे अंदर से
तो ये है मेरा स्नैपचैट का लोगो, आप बस इसको स्कैन करोगे तो ऐड हो जाएगा। एंड पीछे ये मेरा यूट्यूब का लोगो, तो ये भी अच्छा लगता है, ये मैंने स्पेशली पंजाब से ऑर्डर दे के बनवाया था। एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया AIV फोर्ड, तो F अभी नीचे गिर गया एंड ये 3 महीने पहले लगा था तो ठीक है, 100 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट आई थी AIV फोर्ड। और यहाँ पे लिखा वेलकम सो ग्लैड यू आर हेयर, तो ये भी अच्छा है। अगर आपको कोई और कोट लिखवाना है या फिर कुछ और लिखवाना है तो वो भी आप डैशबोर्ड पे लिखवा सकते हो कि जो अंदर बैठे, क्योंकि आजकल ना बहुत ट्रेंडिंग है कि जो भी बैठता है वो स्नैप जरूर बनाता है, तो स्नैप के लिए मैंने ये चीज़ करवाई है। तो गाइस सारी चीज़ों के बारे में मैंने कवर कर दिया है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ढंग का बताया है तो प्लीज़ एक बार ये मैट साइड में रख दूँ। तो प्लीज़ गाइस तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास भी फोर्ड एकोस्पोर्ट है, एंड आपको सारी चीज़ों का मैंने बता दिया है, न्यू फोर्ड एकोस्पोर्ट ओल्ड फोर्ड एकोस्पोर्ट ओनर्स लाइक करें वीडियो को, साथ ही में अब करते हैं वीडियो को एंड।